तो रिपोर्ट आपने देखी, जो गांव के लोग हैं वो दहशत में हैं, डरे हुए हैं, लेकिन ये आदमखोर बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग ने तमाम कोशिश कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोशिश नाकाफी ही साबित हो रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के आखिर कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर अब इन आदमखोरों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहराइच सबसे पहले, यानी कि 2 महीने पहले से ही लगातार यहाँ पर आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में भी अब दहशत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सीतापुर की बात करें तो यहां पर दो दो टेरर से लोग गुजरने को मजबूर हैं। लखीमपुर में भी वही हाल है, यानी कि बाघ और भेड़िये जो है यहां पर भी दहशत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब देखिए गोंडा में भी जो ये आदमखोर हैं वो पहुंच चुके हैं, यहां पर भी लोग सहमे हुए नजर आ रहे हैं, घरों में खुद को बंद करने को मजबूर हो चुके हैं। इसके अलावा पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में भी लगातार हमले की जानकारी सामने आ रही है, पीलीभीत में भी लोगों पर हमले किए गए हैं। कौशाम्बी में भी वही स्थिति वही हालात बने हुए हैं जो बहराइच लखीमपुर सीतापुर में बने हुए हैं। इसके अलावा जौनपुर की बात करें तो यहां पर भी अब दायरा देखिए बढ़ता हुआ किस तरीके से इन आदमखोरों का नजर आ रहा है। सीतापुर के साथ ही जौनपुर में भी अब इन आदमखोरों ने अपना आतंक इस कदर मचाया है कि लोग डर के साए में जीने को इस कदर मजबूर हो गए हैं कि उनका जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अभी फिलहाल अस्त व्यस्त इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रोजमर्रा के काम के लिए वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुल्तानपुर की बात करें तो यहां पर भी कमोवेश वही हालात बने हुए हैं जो बाकी 8 जिलों में बने हुए हैं। कुल मिलाकर देखिए कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश का जो अंजाम है यानी कि जो नतीजा है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि आखिर इन आदमखोरों के का अंत आखिर कब तक होगा। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र बहराइच से हैं और मीनाक्षी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई हैं। बहराइच पहले चलेंगे राघवेंद्र के पास। राघवेंद्र, जिस तरीके से 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है लेकिन उसके बाद भी हमले लगातार जारी हैं, ये बताता है कि जो असली अपराधी असली आदमखोर है वो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। बिल्कुल, देखिए जब 4 खूंखार भेड़िए जब पकड़े गए जिसमें से एक की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमले जारी रहे। 5 दिन का गैप था, 5 दिन गैप के बाद 3 दिन लगातार हमले हुए जिसमें से 2 औरत 2 बच्चे घायल हुए, बच्चियां घायल हुई, 1 बच्चे की मौत हुई। 3 दिन में 5 हमले लगातार हुए और आज देखा गया, आज 2 रात से हमले नहीं हुए हैं। आज बीती रात भी, आज की जो रात है उसमें भी नहीं हुए, कल वाली भी रात नहीं हुई, तो 2 रात से सुकून हुआ। लेकिन फिर डर लग रहा है कि जैसे 5 दिन के बाद जब गैप हुआ तो लगातार 3 दिन हमले हुए, तो क्या फिर 1-2 दिन बाद हमले तेज हो जाएंगे, क्योंकि जो आज़ाद खूंखार भेड़िया है वो तो गिरफ्त में आया नहीं। 4 के बाद लगातार भेड़िए सड़कों पे देखे जा रहे हैं खुले में, रातों में। मैं खुद जब सर्च के लिए निकलता हूँ उन भेड़ियों को समझने के लिए, देखने के लिए, गांवों का हालचाल लेने के लिए, मध्य रात्रि को मैं टहलता हूँ, रिपब्लिक भारत की टीम खुद गश्त करती है, तो उसमें पाया जाता है कि तमाम जंगली जानवर दिख रहे हैं। आखिर ये जंगली जानवर कब खूंखार बन जाते हैं, कब किसके घर में अटैक कर देते हैं नहीं पता चलता। रात को भी वही हाल है, सनसनी सन्नाटा पहरा, और दिन में भी वही हाल है कि खेतों के बगल में चारों तरफ देखिए इंसान नहीं है। ये कुछ बेचारे किसान और ग्रामीण थे जो हमसे मिलने खुद आए हैं, ये खुद हमसे यह जानना चाहते हैं कि भैया ये कब तक ऐसा माहौल रहेगा, कब तक खौफ में हम लोग जिएंगे, कैसे हम लोग निर्भीक होकर खेती करेंगे, कैसे हम लोग अपना काम करेंगे, यह जानने के लिए आए हैं। हमसे ही पूछ रहे हैं कि ये माहौल आखिर शांत कब होगा। क्या कहोगे भैया, काम कर पा रहे हो ठीक से? जी सर। नहीं कर पा रहे हो? काम कुछ नहीं हो रहा है सर, काम ही नहीं कुछ हो पा रहा, बड़ी दिक्कत है। क्या कहेंगे भाई साहब, कुछ काम धाम हो पा रहा है कि नहीं? साहब काम, इसमें काम कुछ नहीं हो रहा है। कैसे जीवन चल रहा है? अरे बहुत दिक्कत हो रही है इसमें, बहुत दिक्कत हो, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। क्या भैया, कुछ काम किसानी हो पा रही है? नहीं 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 हो पा रही है। हा? नहीं नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रहे है, सब कीड़ा वीड़ा सब खाए लेते हैं, सब नहीं होता है। और भेड़ियों का भी राघवेंद्र, लोग अपनी परेशानी आपसे साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है खेतों में भी काम करना। हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ी हुई हैं लखीमपुर खीरी से। मीनाक्षी, आप लगातार वहां मौजूद, इस खबर पर आप रिपोर्ट कर रही हैं, लखीमपुर से अब दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, ये बताइए कि कहां कहां तक आतंक पहुंच गया हमारे दर्शकों को जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए। जौनपुर तक आतंक पहुंचने की बात कही जा रही है।
लेकिन लखीमपुर के मलिया गांव में जहां एक तरफ डीएफओ ये कह रहे हैं कि हमारी टीम अंदर मौजूद है और हम अंदर ही रहने वाले हैं, तो दूसरी तरफ गांव के अंदर खुद बाघ आ गया है। उसके जो पदचिन्ह है वो मैं आपको दिखाती हूँ। गांव के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां लोगों के खेत है, वहां देखिए कि किस तरीके से आज जो बाघ के पंजे के निशान है वो मिले हैं और बाघ यहां से होते हुए आगे बढ़ा है। इसके पैरलर भी कुछ निशान मिले हैं जो कि गांव वालों का दावा ये है, उनका कहना ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पैरलर निशान भी मिलेंगे। ऐसे में गांव वाले ये कह रहे हैं कि उसके साथ एक छोटा बच्चा भी हो सकता है। हालांकि इस बात से वन विभाग की टीम इनकार करती हुई नजर आ रही है और वन विभाग की टीम का कहना है कि नहीं, ये कुत्ते के निशान है। अब ऐसे में ये चीज तो अपने आप में हास्यास्पद हो जाती है कि आखिरकार बाघ के साथ कुत्ते के पंजे के निशान कैसे मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर टीम सुबह आई थी, वो ये कह के गई है कि हम बाघ को पकड़ेंगे, लेकिन एक बाघ है, कितने बाघ हैं, इस बात को लेकर के वो दावा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी, आप नजर बना के रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन देखिए लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लोग जो हैं दो दो दहशत से गुजरने को मजबूर हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ अब बाघ के पंजे के निशान भी मिले हैं। पहले से लोग बता रहे थे कि यहां पर बाघ भी है, लेकिन अब पंजे के निशान मिले हैं जिससे ये तो साफ हो गया है कि लखीमपुर खीरी में बाघ भी है, यानी कि बाघों का दहशत भी वहां पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि लगातार वहां पर वन विभाग की टीम हो, पुलिस हो या फिर एक्सपर्ट्स की टीम लगातार डटी हुई है। कोशिश ये जारी है कि किसी भी तरीके से इन आदमखोर बाघों को पकड़ा जाए, लेकिन कब तक पकड़ में आएंगे ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो ये बाघ हैं वो चकमा दे रहे हैं। इमलिया गांव की हम बात करें तो यहां पर बाघ के पैर के निशान मिले हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर जहां कैमरे में कैद हुआ है ये बाघ और दूसरी तस्वीर जहां पैरों के निशान मिले हैं। और यही वजह है कि जब ये पैरों के निशान बाघ के मिले तो जो ग्रामीण है वो दहशत में आ गए, वो डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार देखिए हमले की खबर सामने आ रही है। सभी चार लोगों पर ये जो बाघ है वो इसने हमला किया है और चार लोगों की जान भी जाने की खबर सामने आई। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से दहशत देखने को मिली और इसी बीच जिस तरीके से ये पैर के निशान बाघ के सामने आए हैं, इस वजह से लखीमपुरी के जो लोग हैं वो खौफजदा नजर आ रहे हैं। बहराइच के 52 गांव में आतंक मचाने वाले भेड़ियों की दहशत का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूपी में खतरा सिर्फ आदमखोर भेड़ियों से नहीं है। लखीमपुर में आदमखोर बाघ की दहशत ने लोगों का चैन छीन लिया है। वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को घरों से अकेले बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बाघ नहीं पकड़ा जा सका है। इसी कड़ी में बीते रोज लखीमपुर खीरी के मूड़ा जवाहर गांव में लोगों ने बाघ की दहाड़ सुनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मसाले जलाई और पूरे गांव में जागते रहो के नारे लगाए। हालांकि वन विभाग ने लखीमपुर में खतरा बनकर मंडरा रहे बाघ को पकड़ने के लिए लखीमपुर के गाँव में 4 पिंजरा और 24 कैमरे लगाए हैं। इसके साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजेशन की अनुमति भी दी गई है। लेकिन बीते 27 अगस्त को इमलिया गांव में एक किसान को निवाला बनाने के बाद से ही बाघ को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। क्योंकि जंगल से थोड़ी दूरी पे है और इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी अपने टीम के साथ जो है टाइगर को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों भी लखीमपुर के ही लुधौरी वन क्षेत्र के ज्योतिपुरवा गांव में गन्ने के खेत में एक तेंदुआ भी दिखा था, जिसे लेकर भी लोगों का मन खौफ से भरा है। लेकिन दिक्कत ये है कि आदमखोर जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुस आए हैं और उन्हें वापस जंगल भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। वहीं यूपी से इतर राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भी टाइगर ST-2303 करीब 20 दिनों से लापता है। हाल ही में इस बाघ की लोकेशन हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर रिहायशी इलाके में मिली है, जहां बाघ ने रेवाड़ी के रिहायशी इलाकों में इन दिनों दहशत फैला दी है। और
अलवर में बाघ को पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर आया टाइगर नंबर 2303 जिसको पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि वो 5 से 6 लोगों पर हमला भी कर चुका है जो जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ स्थानीय लोग भी उसके बारे में बता रहे हैं, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ST2303 बाघ का ये नंबर है, अलग अलग जगह इसको देखा गया है। वन्यकर्मी टीम लगातार खोजबीन कर रही है। हमारे सहयोगी अमरदीप की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरिस्का से भागा हुआ ST2303 टाइगर सरिस्का से निकलकर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बने जंगलों में लगातार अलग अलग जगह देखा गया और यही कारण है कि वनकर्मियों की अलग अलग टीमें लगातार निगेबानी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ये खेत। इन खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब से टाइगर की मूवमेंट झाबुआ के जंगल के इलाके के आसपास देखी गई है उसके बाद में दहशत जो है वो बढ़ी हुई है। और दहशत का सबसे बड़ा कारण है ये जितने भी किसान हैं ये अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जानवरों को घर के अंदर रख रहे हैं। और यहां ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि बच्चे महिलाएं जो हैं जो दिन में काम करती थी खेतों में खलियानों में अपना चारा निकालती थी अपनी फसलों को संभालती थी फिलहाल वो काम रुक सा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा मीर सिंह नाम है जी। मीर सिंह जी ये जो सरपंच गांव खिजूरी। अच्छा आप सरपंच हैं जी। तो सरपंच साहब ये बताइए कि सबसे बड़ी दिक्कत टाइगर से दहशत का माहौल है? दहशत का माहौल बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे घर से नहीं निकलने देते, रात में अपने पशुओं को भी अंदर करके सोते हैं। पशु भी अंदर? अंदर ताला लगा के। क्यों? कहीं बाहर रह जाएंगे तो जानवर आने के रात में पाड़ दे। और हम भी बाहर नहीं निकलते और दिन में भी हम अपने खेतों में काम के लिए नहीं निकल रहे। क्यों? दहशत रहती है। 2-4 आदमी इकट्ठा हो जाएं तो बेशक थोड़ी बहुत नियार सारा लिया है, नहीं हमारे पशु भी भूखे रहते हैं। तो टाइगर को लेकर के जब दिक्कत परेशानी जब से पता चला है कि वो सरिस्का से इस इलाके में पहुंचा है तो डर का माहौल है? हाँ जी बहुत घना। अच्छा तो अभी सब लोग एक साथ ग्रुप में रह करके ही बाहर निकलते हैं आप लोग? हाँ जी 1-2-4-5-7 आदमी इकट्ठे होकर तभी निकलते हैं गांव में। अकेले की हिम्मत नहीं? अकेले की किसी की हिम्मत नहीं जा खेत में जाने के लिए जी। अच्छा तो ये जो फसल है बाजरे की इधर कपास की फसल है दोनों साइड फसल है तो चारा लेने के लिए जो महिलाएं अपना पशुओं के लिए काटती थी महिलाओं के लिए जी 2-4 आदमी साथ जाते हैं जब अपना चारा लेते हैं जी। अच्छा तो ये जो कपास का खेत है और ये कपास का खेत आप देखेंगे उसके ठीक पीछे बाजरे का खेत है लेकिन ये जो लंबे लंबे पेड़ हैं घने पेड़ हैं झाबुआ के जंगल हैं। ये जो ठीक पीछे महेश एक बार दिखाए मेरे ठीक पीछे ये जो झाबुआ के जंगल है ठीक पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं झाबुआ के जंगल है और इसी में ही अभी लास्ट 2 दिनों में उसकी मूवमेंट देखी गई है। खेत जो है वो कपास के खेत हैं और कपास के खेत के ठीक पीछे बाजरे के खेत हैं। लोग यहाँ पे जो है वो ग्रुप में ये ऐसे ही बन के बुजुर्गों की टोली एक साथ निकलती है अपने खेतों की फसल को सार संभाल करने के लिए। लिहाजा यहाँ जो घास कटाई का काम होता है चारा जो पशुओं को खिलाया जाता है वो भी अभी तक महिलाएं जो हैं वो सुनिश्चित नहीं कर पा रही कि खेत में जाया जाए कि नहीं जाया जाए क्योंकि डर का माहौल जो है टाइगर को लेकर के वो बहुत बड़ा है। और यही कारण है कि एक साथ गाँव के लोग जो है वो इकट्ठा होकर के निकलते हैं। छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या फिर कोई आसपास की कंपनियों में काम करता हो तो उसको भी ग्रुप के साथ